Kusum. बुखार तो नहीं है? पता नहीं. कसम. I'm so sorry अगर आपको डिस्टर्ब किया. क्या बात है? आपकी तबीयत ठीक नहीं है? नहीं, वो देर तक आया था. कुछ काम था? हाँ नहीं, बाद में बात करेंगे. अभय, आप भी मेरी मदद कीजिए ना प्लीज. आप विषय को समझाइए ना, वो मेरी बात नहीं मान रहा है. विषय चाहता है कि पार्टी में मैं एक स्पीच दूँ और मुझे स्पीच वीच नहीं आता. ना बाप, मैं किसी की बात नहीं देखा. मैं कोई दूसरी हूँ, आप मेरा साइड नहीं लेंगे. लेकिन कुसुम, स्पीच देने में डिफिकल्टी क्या है? अच्छा, इतना आसान है, इट्स सिंपल ना. तो ठीक है, जब माइक मुझे दिया जाएगा तब मैं माइक आपको दे दूंगी. आप ही दे देना स्पीच. मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. मैं चाय बनाने जा रही थी, आप चाय पियेंगे? कोई शक? नो. सब है. हाउ इज लाइफ? तुमने शादी करके बहुत अच्छा किया, बंधन में बंध लिया. अब वो मोनिका, एना, यानी क्या नाम था उस इंडियन ब्यूटी का? स्नेहा. विल यू शट अप आर्यमन? तुमने अपने अफेयर्स के बारे में कुसुम को तो बताया नहीं, लेकिन उसने अपने बारे में मुझे सब कुछ बता दिया. क्या कहा कुसुम? यही कि तुमसे शादी करने से पहले उसकी मंगनी टूट चुकी है. वो बात तो सब जानते हैं. जो बात सब नहीं जानते वो बात मैं जानता हूं. फॉर एग्जाम्पल, ऑस्ट्रेलिया में तुम्हारे साथ कोई और भी था. कहना क्या चाहते हो? दिवाली की रात मैंने तुम्हें फोन किया था और तब टी टाइम. चाय तैयार है. अरे आप दोनों चुप क्यों बैठ गए? बातें कीजिए, मैं भी तो सुनूं आप दोनों क्या क्या बातें कर रहे थे. वो एक्चुअली अभय जानना चाह रहा था कि जिस रिश्ते का कोई नाम ना दे सके उस रिश्ते का करना क्या चाहिए. तुम्हें बताओ, जो रिश्ता बेनाम हो उसका क्या किया जाए? नहीं सिंपल, ऐसे सामान रखने ही नहीं चाहिए जिसे दुनिया के सामने हम जाहिर ही न कर सके. फायदा क्या, छुपाने में गिल्ट बढ़ता है और हम चैन से जी भी नहीं पाते. एक ही दिन में दो दो फंक्शन है. कुसुम और ज्योति के ससुराल में पार्टी है और मेरी चचेरी बहन माधवी उसके बड़े बेटे की शादी है. दोनों जगह जाना बहुत जरूरी है. समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, बताइए ना. हाँ, दोनों ही जगह के लोग हमें सपरिवार देखने की उम्मीद रखते हैं. ऐसा करते हैं कि हम बुजुर्ग लोग शादी में चले जाते हैं और बच्चों को पार्टी में भेज देते हैं. हाँ ये ठीक कहा आपने, वहाँ पार्टियों में हमारा क्या काम, ये लोग तो वहाँ एंजॉय करेंगे, है ना. अरे नमस्ते, थैंक यू सो मच. Hi you two. Both are looking great. Just made for each other. Thanks. Hi. Congratulations once again. Thank you, Isha. Hi. I'm so sorry, Isha. मैं तुम दोनों को इंट्रोड्यूस करा रही हूँ. Isha, this is Aryaman Punch. Aryaman, ये Isha. Hi, nice to meet you. Same here. Isha, याद है इनके बारे में मैंने तुम्हें ऑफिस में बताया था? Oh yeah, right. जिस तरह हम दोनों अच्छे दोस्त हैं, बिल्कुल उसी तरह आर्यमन और अभय बहुत अच्छे दोस्त हैं. फर्क सिर्फ इतना है कि दोनों की दोस्ती काफी पुरानी है. दोस्ती नई या पुरानी नहीं होती, दोस्ती सिर्फ गहरी होती है और इसका रिश्ता दिल से होता है और इसको वक्त से नहीं नापते. Very well said. अगर दोस्ती को वक्त से तोला जाता तो शायद परसों पुरानी दोस्ती चंद पलों में नहीं टूटती. लेकिन ईशा और मेरी दोस्ती कभी नहीं टूटेगी और टूटती भी नहीं. अगर आपकी दोस्ती अटूट विश्वास और ऑनेस्टी पे बनी है तो क्यों टूटेगी? राइट.
अभी आते हैं। दोस्तों आज की शाम एक खास शाम है और मैं इस शाम की शुरुआत एक खुशखबरी देकर करना चाहता हूं। तो दोस्तों वो खुशखबरी ये है कि कपूर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ने अपना एक्सपांशन शुरू कर दिया और ये पार्टी इस एक्सपांशन की पहली डील की खुशी में हो रही है। फ्रेंड्स, जिन लोगों की वजह से ये डील हो पाई है, अब मैं उनको स्टेज पर बुलाना चाहूंगा। तो फ्रेंड्स, the blasting round of applause, could we have Abhay Kapoor and Kusum Kapoor up here on the stage? Kusum, Abhay Kapoor. Kusum, वैसे मेरी दीदी भी है। दोस्तों, कुसुम को इस घर में आए अभी एक साल भी पूरा नहीं हुआ है और यकीन मानो इन्होंने इस घर के हर एक सदस्य के दिल में अपनी जगह बनाई है। और इतना ही नहीं, इन्होंने इस परिवार के बिजनेस में भी अपनी छाप छोड़ी है। कुसुम दीदी, दे ऑल लव यू एंड आई लव यू टू दीदी। दोस्तों, मैं थोड़ा सा क्यूरियस हूँ ये जानने के लिए कि आखिर कुसुम दीदी की इस कामयाबी के पीछे राज क्या है। तो क्यों ना कुसुम दीदी से ही पूछा जाए कि व्हाट आफ्टर ऑल इज द सीक्रेट टू योर सक्सेस। या कुसुम, नमस्ते। आई एम हाईली ऑब्लाइज्ड, थैंकफुल एंड अप्रिशिएटिव ऑफ माय फैमिली। कुसुम देशमुख तो एक आम लड़की थी, पर इस परिवार ने मुझे खास बना दिया। एक अलग, एक नई पहचान दी है मुझे। मुझे इस काबिल समझा, थैंक यू। एक्चुअली मुझे लगता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही लकी हूँ, क्योंकि सारा क्रेडिट मुझे दिया जा रहा है, बल्कि सच्चाई ये है कि सारा क्रेडिट मेरे इस परिवार को जाता है। मेरे इस परिवार ने मुझे हर वक्त सपोर्ट किया, इनकरेज किया, मुझे सही राह दिखाई, मुझ पर विश्वास किया। थैंक यू वेरी मच एंड स्पेशल थैंक्स टू मम्मी जी एंड डैडी। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। कुसुम कुछ ज्यादा ही मॉडेस्ट है। एक पुरानी कहावत है, ऊपर वाला और किस्मत उसी की मदद करते हैं तो खुद अपने बल पर आगे बढ़ते हैं। कुसुम को खुद अपनी क्वालिटीज के बारे में पता, वो क्वालिटीज जो उसे स्पेशल बना, उसे खास बना, हार्डवर्क, डेडिकेशन, honesty, integrity, and most of all, modesty. Please give her a big hand. Thank you so much. Acha, ab dosto, main Kapoor family ko upar stage par invite karna chahunga. And right after that, we have that special surprise item for all of you. But for now, can I have the Kapoor family up here? Now for the surprise item, और वो सरप्राइज आइटम है एक डांस। और इस डांस की शुरुआत करेंगे हम हेड ऑफ द फैमिली
नितिन अंकल और सरला आंटी से। Come on, come on, come on, come on, come on.